अपने बयान को किताब की स्वरूप में छापा, वहां आए और असेंबली हाल में अपना 200 सफ़े का बयान मुकम्मल तौर पर पढ़कर सुनाया, जिसमें उनका पूरा मौकफ मौजूद था। हमने बड़े गौर से सुना, इत्मीनान से सबक। उसके बाद ये दुरुस्त है कि हमें भी तशवीश लाहिक हुई कि उसकी तकरीर के बाद मेंबरों पर कुछ असर था। मैंने पहले भी आपको सुनाया था कि जब वो आए थे तो दाढ़ी सफेद लंबी, जाकर देख लो, सफेद सफेद कमी पंकज और बनी सलवार। इस सूरत में जब वो असेंबली के अंदर पहली मरतबा दाखिल हुए और मेंबरों ने देखा और मेंबरों की अक्सरियत इसे पहले नहीं देखा था और मैं भी उन्हें शामिल था, तो हमें घूर घूर कर कहने लगे कि देखो ये प्यारी सुख है और तुम कहते काफी नहीं। ये कबरी ये शिकल काफी की है। मौलवी साहब तुम भी अजीब बात करते हो, ये काफिर की शिकल हो सकती है? ये जैन अगर आप भाई ईमान का ताल्लुक इस्लाम का ताल्लुक शिकल दाढ़ी से नहीं अकीदे से, अगर ये जब वो अपने बयान में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम को इस नजरानी जिक्र करते थे तो दुरूद के साथ पढ़ते थे, जब वो दुरूद पढ़ता था तो इस तरह मेंबर ने कहा देखो उन्हें तो दुरूद भेज रहा है तुम कहते था। कभी कभी वो कुरान करीम की आयतें भी इस तरह में पढ़ता था तो मेंबर कहते कि देखो कुरान की आयतें पढ़ रहा है तुम कहते हो कि काफिर, तो जेन इस तरह बना। तस्वीर इसलिए थी कि ये एक आखिरी वक्त है, मौका है। अगर इस वक्त असेंबली में जब मसला पेश है सामने, इन्हें गैर मुस्लिम करार ना दिया और मुसलमान करार दे दिया खुदा ना खास पर, तो फिर ये मसला उलझ गया उमर।